हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लिब्रा कैल्क की, क्या सीखने वाले हैं, क्या खास है, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो लिब्रा कैल्क ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं ड्रैग करवाता हूं इसको, तो यहां रैंडमली डेट इंसर्ट होता हुआ चला जाता है। ये तरीका मैंने आपको सिखाया था एक्सेल में, यहां पर लिब्रा कैल्क में ये कैसे होगा आइए आपको बताता हूं। यहां देखिए सारे डेट्स अलग-अलग हैं, मंथ्स अलग-अलग हैं, इयर्स भी आपको दिखाई पड़ेगा कि ये भी अलग-अलग हो सकते हैं। यहां देख सकते हैं 2018 दिखा रहा है, यहां पे 2019 दिखा रहा है, तो ईयर भी तो अलग-अलग है, दो इयर्स आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर, ठीक है। तो अभी ये कैसे किया मैंने आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पे शीट चेंज कर लेता हूं, यहां पर आ जाता हूं। अब यहां पर आपको करना क्या है, इज इक्वल टू पर निशान लगाना है और लिखना है डेट का फार्मूला। तो आपको सिंपली टाइप करना है DAT, यही तो डेट का फार्मूला होता है। और यहां पर आपको टैब नहीं प्रेस करना है, क्योंकि ये लिब्रा कैल्क है, यहां पर टैब सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप सिंपली डेट लिखिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और फिर यहां पर रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाइए। रैंड बिटवीन खाली नंबर इंसर्ट करने के लिए थोड़ी नहीं यूज होता है, इसे हम डेट भी इंसर्ट करा सकते हैं रैंडमली। कैसे इंसर्ट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या करना है, ईयर आपको लिखना है। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं 2015 से लेकर, ये देखिए 2015 लिखा मैंने, और यहां से लेकर 2021 के बीच का कोई भी ईयर यहां पर दे दीजिए, ये मैंने बता दिया। देखिए टॉप और बॉटम दो चीजें होती है रैंड बिटवीन में, तो टॉप में मैंने दे दिया 2021 और बॉटम में दे दिया 2015। अब इन्हीं दोनों के बीच की जो इयर्स हैं वो लेके आ जाएगा, कॉमा देंगे। और अब यहां पर आपको मंथ इंसर्ट कराना है, तो पहले लिखना होगा रैंड बिटवीन, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए रैंड बिटवीन, ठीक है। आप देखेंगे कि ये रैंड बिटवीन फार्मूला लग गया है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर मंथ देना है, तो 12 महीना होता है ना, 1 से लेके 12 यहां पे दे दीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, फिर यहां लिखना होगा रैंड बिटवीन, ये लिख दिया रैंड बिटवीन, ठीक है। तो ये लिख दिया रैंड बिटवीन, ब्रैकेट को ओपन किया, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है, सिंपली यहां पर हमें दे देना है डेट। तो डेट 1 से लेकर 30 के बीच या 31 के बीच होती है, तो मैं 31 ही कर देता हूं। चलिए इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, तीन ब्रैकेट ओपन हुए थे, तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दिया। प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पर देखेंगे कि एक डेट आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको ड्रैग करवा दीजिए, तो आप देखेंगे कि 2017 यहां पे ईयर पे गौर कीजिएगा, और डेट्स तो आपको दिखाई पड़ेंगी ही, 2016 17 सब कुछ आ रहा है यहां पर, ईयर और डेट और मंथ सब कुछ अलग-अलग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आसानी के साथ डेट मैंने इंसर्ट करा दिया लिब्रा कैल्क में भी। तो ये बहुत इजी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।